बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है और छुट्टियों में बच्चों को लगता है कि उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें खाने में दी जाए बस तो फिर ये कोकोनट चोको बॉल्स उनके लिए बनाए इसे खाकर बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे ये बॉल्स बहुत ही क्विक और इजीली बन जाते हैं और बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे कोकोनट चोको बॉल्स घर पर बहुत ही आसानी से बन सकते हैं ये देखने में जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही खाने में टेस्टी लगते हैं इन चॉकलेट बॉल्स की खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब आपके किचन में आसानी से मिल जाती है कोकोनट चोको बॉल्स बनाने के लिए एक कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है इसमें वन फोर्थ कप कंडेंस मिल्क ऐड कर देते हैं अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसका टेक्सचर हमें ऐसा रखना है कि इसे बनाते समय लड्डू का शेप आसानी से बन जाए कोकोनट और कंडेंस कंडेंसड के मिक्सचर को एक बॉल का शेप देते हुए तैयार कर लेते हैं इस तरह से सारी बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी हमें ना तो ज़्यादा हार्ड रखनी है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है मीडियम ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि ये आसानी से बॉल के शेप में आ जाए आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क की जगह दूध को मिल्क पाउडर के साथ गाढ़ा कर कर भी ले सकते हैं इस तरह सारे बॉल मैंने तैयार कर लिए हैं बॉल्स की कोटिंग के लिए मैं कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने की वजह से ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे ये टुकड़े लगभग एक कप के करीब मैंने यहाँ पर लिए हैं और इन टुकड़ों को अब मैं एक कांच के बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ बारी आती है कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करने की इसके लिए मैं डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट करूँगी इस मेथड के लिए मैंने एक सॉस पैन में तीन से चार इंच पानी लिया है इसे गर्म होने दिया है और इससे बड़े साइज का बाउल लेकर इसमें चॉकलेट मैंने डाल दी है पाँच से सात मिनट के अंदर ये चॉकलेट काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है अब जो कोकोनट और कंडेंस मिल्क के बॉल्स हमने बनाए थे उन्हें इस मेल्टिंग चॉकलेट में डीप करते हुए अलग पेपर लगे हुई ट्रे में निकालते जाएंगे ध्यान रहे चॉकलेट के बॉल पर अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए सारे बॉल्स चॉकलेट में अच्छे से कोट हो चुके हैं तो अब हम 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखकर सेट होने देते हैं अब आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसे डेकोरेट कर दें मैंने एक पाइपिंग बेग की हेल्प से वाइट चॉकलेट से इसे डेकोरेट कर दिया है बॉल्स के डेकोरेशन के लिए आप कलर्ड स्प्रिंकलर का भी यूज़ कर सकते हैं इस कोकोनट चोको बॉल्स को बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं और टेस्ट में तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो लीजिए तैयार है सुपर डिलीशियस कोकोनट चोको बॉल्स खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो ऐसे समय के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और जिन्हें चॉकलेट की क्रेविंग होती है उनके लिए भी ये बेस्ट है यहाँ पर मैंने एक बॉल को कट किया है ऊपर से ये जितना चॉकलेटी है उतना ही अंदर से ये सॉफ्ट होता है खाते ही ये मुंह में एकदम से घुल जाता है